छोटे पर्दे के मशहूर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो से जुड़ा एक किस्सा काफी ज्यादा तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस किस्से के साथ तार जुड़े हैं दबंग सलमान खान के और खान परिवार के। दरअसल कपिल के शो में सलमान के साथ साथ यहां पर सलीम खान ने अरबाज और सोहेल की जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किए हैं। एक ऐसा राज सलीम खान ने कपिल के शो में बताया जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। ये बात खान परिवार के नौकर गंगाराम से जुड़ी है। चलिए आपको बताते हैं। बता दें आपको, गंगाराम खान परिवार का एक अहम हिस्सा है। उनके बारे में बात करते हुए सलीम खान ने बताया, घर में नौकर गंगाराम उनके परिवार का अहम हिस्सा है। सलमान की माँ सलमा शादी करके जब आई तो दहेज में गंगाराम को लेकर आई थी। तब से गंगाराम हम लोगों के साथ है, सभी उससे प्यार करते हैं। सलमान और उनके दोनों भाई गंगाराम को मामा राम कहकर बुलाते हैं। सलीम ने यह भी कहा कि जब एक बार मैंने गंगाराम को डांट दिया तो मेरी पत्नी सलमा ने मुझसे 6 महीने तक बात नहीं की। सलीम के बाद सलमान खान गंगाराम को लेकर कहते हैं, मामा राम एलियन की तरह है, उनके चेहरे पर हमेशा शून्य का भाव रहता है। इस शो में गंगाराम भी आए थे लेकिन उन्हें कपिल के बारे में नहीं पता था। बता दें आपको, कपिल शर्मा के शो पर ये जो राज खुले हैं गंगाराम से जुड़े, सलीम खान की पहली शादी के दहेज से जुड़े, इसे जानकर हर कोई हैरान सेट पर भी हुआ। और जैसे जैसे ये किस्सा सोशल मीडिया पर फैल रहा है, हर कोई हैरान ही हो रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।